हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। iOS 18 का डेवलपर बेटा 2, इसका रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और यहां पे आपको एक चीज थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगेगी। हमेशा मैं यहां पे iOS 18 वाला जो स्क्रीनशॉट रहता है अपना अपडेट का, वो दिखाता हूं, फिर बातें करता हूं। लेकिन यहां पे मैं इस वीडियो के अंदर वो चीज नहीं दिखा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि फोन मेरा डेड हो चुका है। सबसे पहली चीज जो हम टेस्ट करते हैं वो होती है बैटरी, कि बैटरी लाइफ कैसी निकल के आ रही है इस अपडेट में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फोन इज कम्प्लीटली डेड। और अभी जो है दोपहर के 2:30 बजे हुए है। जनरली मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप देखते होंगे, यहाँ पे देखिए 2:46 हुआ है, 2:45 बजा हुआ है। और जनरली अगर आप देखेंगे तो मैं वीडियो जो है वो 4 बजे के करीब बनाता हूँ, और उस टाइम पे 4%, 10%, 20% अलग अलग बैटरी लाइफ रहती है। लेकिन अभी बैटरी पूरी डेड है। और ऐसा क्यों हुआ ये जो है इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में बैटरी लाइफ कितनी हमको देखने मिल रही है iOS 18 के डेवलपर बेटा 2 पे। क्या ये बेटा 1 से कम है या बेटा 1 से ज्यादा है? क्योंकि जब बेटा 1 का मैंने वीडियो बनाया था, उसका अपडेट का वीडियो बनाया था, उस टाइम पे जो उसमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला था मुझे वो 4 घंटे से कम था, थोड़ा 4 घंटे पकड़ लेते। लेकिन बैटरी जो है अगले दिन शाम 4-5 बजे तक चली थी। लेकिन इसमें क्या होने वाला है, अभी ये फोन ऑन होने का हमको पता चलेगा। ओके गाइस, तो मैंने अपने फोन को चार्ज कर लिया है iOS 18 डेवलपर बेटा 2 के अंदर। सबसे पहले हम बैटरी लाइफ ही डिस्कस करते हैं, जो कि हम करते आ रहे हैं। मतलब वीडियो की स्टार्ट ही हमने बैटरी लाइफ के बारे में डिस्कस करने शुरू की थी। तो यहाँ पे हम बैटरी में आ जाते हैं। बैटरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी लास्ट चार्ज तो 33% दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये मैंने ट्यूजडे रात को 12 बजे जो है फुल चार्ज कर दिया था। और ट्यूजडे रात को 12 बजे जो फुल चार्ज मैंने किया था, जैसे ट्यूजडे लगा उसकी बात कर रहा हूं, आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को कितनी बैटरी लाइफ मिली वो समझ में आएगा। तो 24 आवर्स जो है मैंने इसको इस्तेमाल किया, उसके बाद कुछ घंटे और ये चला, उसके बाद बंद हो गया। तो वो सब बारे में डिस्कस करते। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखिए, सुबह 7:35 AM का है। ट्यूजडे की रात जब 12 बजे लग गया, उस टाइम मैंने चार्जिंग से हटा दिया था, 12 AM को फुल चार्ज हो गया था। और सुबह मैंने इसको जब चेक किया, फोन ऑन ही था लेकिन डिस्प्ले ऑफ था। सुबह मैंने 735 को चेक किया तो 1% आइडल बैटरी ड्रेन हुआ था, क्योंकि पहले कुछ अपडेट्स में मैंने देखा iOS 17 के कि 0% आइडल बैटरी ड्रेन होता था। तो स्लाइटली ज्यादा, लेकिन हो सकता है ऐसा, क्योंकि नेटवर्क वगैरह तो कनेक्टेड रहता ही है, थोड़ा बहुत बैटरी वो खाता ही है, तो इतना कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। और यहां पे मैंने देखिए इसके जो बैटरी यूजेज है उसका भी स्क्रीनशॉट अटैच किया है, जहां पे ट्यूजडे का ही स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। स्क्रीन एक्टिव टाइम सिर्फ 3 मिनट का था, जो कि मैंने ऑन करके स्क्रीनशॉट लिया, वही बाकी मैंने इसको रात में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। अब यहाँ पे जब स्विच ऑफ हुआ, उसके पहले का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 4% जो है बैटरी दिखा रहा है, और यहाँ पे भी 4% दिखा रहा है। तो ये ट्यूजडे की बैटरी लाइफ है, जहाँ पे स्क्रीन एक्टिव टाइम मुझे 4.5 घंटे का मिला था, और ये वेंसडे का है जहाँ पे 4 मिनट का मिला था। तो वेंसडे का तो कंसिडर ही मत करना, क्योंकि सुबह से बेचारा एकदम मरने की हालत में ही था, तो मैंने इसको आज जो है बिल्कुल इस्तेमाल किया ही नहीं, और ट्यूजडे को ही जो है मैंने इसको इस्तेमाल किया। तो 4 hours 45 minutes का स्क्रीन एक्टिव टाइम मुझे देखने मिला है एक बैटरी चार्ज पे, जो कि 100 से 0% पे आ गया हमारा फोन। अब यहाँ पे ये क्या बैटरी लाइफ अच्छी है, तो ये बेटा 1 से अच्छी है, लेकिन बेटा 2 जो है अभी भी iOS 17 की बैटरी लाइफ से काफी पीछे चल रहा है। iOS 17 में आराम से 6.5 घंटे 7 घंटे का स्क्रीन एक्टिव टाइम, और 1.5 days आराम से आपको जो है 36 से 40 आवर्स का आपको रेंज मिलता था, लेकिन अभी वो चीज यहाँ पे देखने नहीं मिल रही। एक दिन में ही ऑलमोस्ट जो है मेरा 15 प्रो मैक्स डेड हो गया, लेकिन ये बेटा 1 से बेटर बैटरी लाइफ है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन एक्टिव टाइम जो है वो ज्यादा निकल के आया है, जो कि 4 hours 45 minutes का है, जबकि 3 hours 45 minutes या 3 hours 50 minutes का स्क्रीन एक्टिव टाइम मुझे बेटा 1 में देखने मिला था। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ट्यूजडे को जो मैंने यूज किया, जो 4 hours 41 minutes का स्क्रीन एक्टिव टाइम है, उसमें यूज क्या किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा यूज किया, इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, ट्विटर चलाया, ये सारी चीजें जो है प्रॉपर्ली मैंने इस्तेमाल की, कैमरा भी इस्तेमाल किया, कैप्शंस ऐप है जिससे हम कैप्शंस जनरेट करते हैं AI की मदद से, वो भी किया। तो बैटरी अच्छी खासी कंज्यूम हुई, लेकिन और जो है ज्यादा स्क्रीन एक्टिव टाइम और ज्यादा बैटरी लाइफ जो है एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। तो ये बात थी दोस्तों बैटरी लाइफ की। अब बैटरी हेल्थ देख लेते हैं, तो 92% पे आ गई। हर बार जब मैं रिव्यू वीडियो बनाता हूँ अपडेट करने के बाद, तो 1% से बैटरी हेल्थ अब गिरती जा रही है। ऐसा क्यों होना, क्योंकि बेटा वर्जन में जनरली हमने देखा कि हीट ज्यादा है, इस वाले बेटा में लेकिन हीटिंग का इशू मुझे नजर नहीं आया। अब जब मैंने चार्ज पे लगाया पूरा डेड होने का, तब ये हीट हो रहा है, अदरवाइज नॉर्मल चार्जिंग में या फिर नॉर्मल यूजेज में ये हीट जो है नहीं हो रहा। फिर भी यहाँ पे 1% बैटरी हेल्थ और गिर गई। हालांकि साइकिल काउंट भी मेरा अच्छा है, लेकिन इतना जल्दी इतनी नहीं होनी चाहिए थी, जो कि मेरा अगर 14 प्रो मैक्स में आपको बताऊं तो उसके अंदर आज भी 92% बैटरी हेल्थ है। और वो क्यों गिरी थी, क्योंकि वो भी iOS 17 का डेवलपर बेटा मैंने डाला था, कम होते 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 92 पे आ गई। लेकिन कभी तक आई 92 पे, जब स्टेबल वर्जन रिलीज हुआ तब तक। तो यहाँ पे 92 पे अभी आ गई, आगे जाके हो सकता है ये 80s में चले जाए इसकी बैटरी हेल्थ। और एक चीज भी फर्क है, जो कि इसकी जो बैटरी है iPhone 15 प्रो मैक्स की, ये 1000 cycles के लिए रेटेड है, 80% कैपेसिटी रिटेन करी है, जबकि 14 की जो बैटरी लाइफ है 14 प्रो मैक्स की भी, वो 500 cycles के लिए। तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ ज्यादा मिलनी चाहिए थी, जो कि अब हो नहीं रहा है, यहाँ पे गिर रही है बैटरी हेल्थ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज जो है इसमें कोई इशू नहीं था बेटा 2 के अंदर, और स्टोरेज यहाँ पे जो है घटी नहीं थी। अभी फिलहाल स्टोरेज का क्या हाल है वो चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम के बाद तो मैंने काफी सारी चीजें की है इसके अंदर, वीडियोस, फोटोज और रील्स वगैरह बनाई है, तो वो एग्जैक्ट वहां का यहाँ पे हम देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अदर्स वाला या सिस्टम डेटा जो है कितना, तो बिल्कुल स्टेबल है, यहाँ पे देख सकते 1.07 GB है, बिल्कुल इसमें कोई
प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल जो है सही यहाँ पे चल रहा है फोन। इसमें स्टोरेज रिलेटेड कोई भी इशू मुझे नजर नहीं आ रहा है, जितना होना चाहिए उतना ही ऑक्यूपाइड स्टोरेज और उतना ही अवेलेबल फ्री स्पेस है, तो इस मामले में भी आप बेफिक्र रह सकते हैं। तीसरी चीज है दोस्तों आप नेटवर्क परफॉर्मेंस, तो नेटवर्क परफॉर्मेंस इस वाले अपडेट में पहले वाले अपडेट से बेटर है जो कि iOS 18 डेवलपर बेटा 1 है, उसके मुकाबले बेटा 2 में आपको नेटवर्क रिलेटेड उतने प्रॉब्लम्स देखने नहीं मिलेंगे, काफी बेहतर तरीके से काम करा है। लेकिन अब जब फोन स्विच ऑफ हुआ और उसको मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयरप्लेन मोड यहाँ पे ऑफ किया है मैंने, फिर भी एयरप्लेन मोड यहाँ पे दिखा रहा है। अभी देखिए एक बार एयरप्लेन मोड लगाता हूँ आपके सामने, फिर से एक बार ऑफ करता हूँ तो अभी भी यहाँ पे एयरप्लेन मोड जा नहीं रहा है। तो ये एक बग अभी नजर आया मुझे वीडियो बनाने के टाइम पे, इतने दिन में नजर नहीं आया। हालांकि कई बार मैंने एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ किया है लेकिन इस बार जो है ये कमाल कर रहा है यहाँ पे, एयरप्लेन मोड ऑफ रहने के बावजूद, यहाँ पे ऑफ है उसके बावजूद यहाँ पे एयरप्लेन मोड दिखा रहा है। अब यहाँ पे कॉल करके भी चेक कर लेते हैं कि एयरप्लेन मोड जो यहाँ पे दिखा रहा है जो कि एक्चुअल में है नहीं, उसकी वजह से कॉलिंग होती है या नहीं होती है कि एक्चुअली एयरप्लेन मोड रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अपने ही दूसरे नंबर पे कॉल किया है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉल आ रहा है, तो यहाँ पे एयरप्लेन मोड सिर्फ जो है दिखाने के लिए है, ये एक्चुअल में एयरप्लेन मोड लगा हुआ नहीं, एयरप्लेन मोड इज ऑफ, लेकिन ये एक बग है। तो यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप कॉल लगा के देख लीजिए, एयरप्लेन मोड मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो है सिर्फ यहाँ पे दिखाएगा लेकिन एक्चुअल में ऑन होगा नहीं। अगली चीज है दोस्तों जनरल परफॉर्मेंस, ऐप क्रैशिंग वगैरह, तो यहाँ पे मुझे ऐप क्रैशिंग देखने नहीं मिली। सारे ऐप्स जो बैंकिंग एप्लीकेशन है या ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ वो सारे प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह किसी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत लगी मुझे तो वो है टेक्स्ट ओवरलैपिंग की, थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे हम स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे समझो अभी जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ओपन किया था, तो यहाँ पे मैं अगर स्वाइप अप करता हूँ तो जब ऊपर जाता है स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट ओवरलैपिंग वगैरह होती है, अदरवाइज इसके अलावा यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड मुझे इशू नजर नहीं आया। ग्रीन स्क्रीन इशू, क्या ये इशू आ सकता है iOS 18 के अंदर? तो अभी तक तो फिलहाल मुझे कोई कंप्लेंट मिली नहीं है किसी की भी कि iOS 18 इंस्टॉल किया तो ग्रीन स्क्रीन इशू आया, तो अभी तो यही कंसीडर करके चलते कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपको डर है तो फिर आप अपडेट मत करो, फोन आउट ऑफ वारंटी है, 13 प्रो अगर आपके पास है, 13 प्रो मैक्स है, 13 सीरीज है, तो मत करो, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। कोई अपडेट करना है आपके लिए रिस्की हो सकता है, ये बात का मैं आपको जो है पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। इसके अलावा क्या क्या बग्स और है हमारे सामने वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये एयरप्लेन मोड का बग बता दिया, ये एक बग है, और जो भी मैं आपको बग्स बता रहा हूं वो सब चीज जो है गौर से सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपडेट करनी है या नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम स्क्रीन टाइम एक बार जो है ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं स्क्रीन टाइम में, और स्क्रीन टाइम का बग जो है आज भी यहाँ पे मौजूद है, और इसके बाद आपकी स्क्रीन जो है फ्रीज हो जाएगी। आप कितना भी इस पे उंगली घुमा लो ये कहीं हिलने वाला नहीं है, आपको सीधा बाहर निकलना पड़ेगा, फिर आप इसको ओपन करेंगे फिर यहाँ पे ये फ्रोजन ही रहेगा, आपको इसको किल करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम करना जो है यहाँ पे शुरू करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना टाइम लगा रहा है आप ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे ये जो है देख सकते हैं कि स्क्रीन टाइम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये बग यहाँ पे मौजूद है, और आज भी ये बग यहाँ पे मौजूद है। फिर से एक बार सेटिंग ओपन करके देखते हैं क्या ये उतना टाइम लगाता है। जब भी स्क्रीन टाइम ओपन करेंगे, सेटिंग्स को किल करेंगे, उसके बाद ये काफी बड़ा लैग देगा आपको, ये अगेन एक और बग जो है सामने निकल के आया है। वीडियो वॉचिंग टाइम पे ओवरलैपिंग जो हो रही थी उसमें यहाँ पे कोई चेंज आया ही नहीं आया, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, और यहाँ पे ये जो बटन है अब ये वॉल्यूम बटन से नीचे चला गया, ये जो टेक्स्ट सिलेक्शन का बटन आता है वो ये वॉल्यूम बटन से जो है या स्पीकर ऑन ऑफ के बटन से नीचे चला गया। लेकिन अभी इस पे क्लिक करना जो है ये नामुमकिन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो सीक वाला बार है जिससे हम वीडियो आगे पीछे कर सकते हैं ये इसके ऊपर आके ओवरलैप हो गया। तो ये सारी चीजें छोटे मोटे बग जो है आपको देखने मिलेंगे। जब भी मैं इस पे टैप करूंगा यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये ऑडियो को मैं म्यूट तो कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अगर मुझे कोई चीज सिलेक्ट करनी है, जैसे मुझे ये टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जो कि यहाँ पे इसके अंदर दिखा रहा था, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में चला गया है, उस पर क्लिक नहीं हो रहा है। एक और बग यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो कि है ऑडियो नहीं आने का बग। जैसे वीडियो हम देख रहे हैं यूट्यूब में, अचानक उसकी ऑडियो चली जाएगी, या हम कोई वीडियो हमारे इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, फोटोज ऐप में देख रहे हैं, उसकी वॉल्यूम जो है चली जाती है। अगर उसकी वॉल्यूम आपकी चली जाती है तो आप रीस्टार्ट करने पे भी वॉल्यूम आती नहीं है स्पीकर की, सिर्फ ईयर पीस में आपको आवाज आएगी, स्पीकर की आवाज बंद हो जाएगी, नीचे वाले से ऊपर वाले ईयर पीस वाले स्पीकर में ही आवाज आएगी, वो भी ऐसी आएगी जैसे आप किसी से कॉल पे बात करें, तो आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। तो आपको क्या करना है उस केस में, आपको एक कॉल करना है किसी भी नंबर पे कर लीजिए अपने घर के, और कॉल को डालना है आपको स्पीकर पे। जैसे ही आप इस कॉल को स्पीकर पे डालेंगे ये रिंग होगा और बॉटम स्पीकर से आवाज आना जो है शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आपका स्पीकर ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक बग है जो आज भी iOS 18 के अंदर मौजूद है बेटा 2 के अंदर। iOS 18 बेटा 2, क्या आपको इस पे अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी जो अपडेट है काफी बग्गी अपडेट है, पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर लगा मुझे, लेकिन छोटे मोटे बग्स और देखने मिल गए हमको जो मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अब ये जो बग्स है ऐसे नहीं है कि जिसके साथ आप जी नहीं सकते, आपका फोन का एक्सपीरियंस एकदम खराब हो जाएगा, आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज को मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आप एंथुजियास्ट हो, आपको iOS
18 अभी यूज करके देखना, क्योंकि अभी यूज करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप वेट कर सकते सितंबर तक। लेकिन आपको मजा आता है नए अपडेट्स ट्राई करना, नए फीचर्स चेकआउट करना, तो उसके लिए अगर अभी अपडेट कर रहे हो तो आप इससे पछताएंगे नहीं, इतनी बात तो पक्की है। हाँ, बैटरी लाइफ आपको कम देखने मिलेगी, बैटरी हेल्थ आपको गिरती हुई देखने मिलेगी, छोटे मोटे बग्स आपको देखने मिलेंगे, उसके अलावा जो मैंने आपको बताया स्पीकर बंद हो जाना, लेकिन आप इसका वर्क अराउंड भी कर सकते हैं। तो अगर आप बीटा 1 पे हो, बीटा 2 को जरूर अपडेट कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप iOS 17 के किसी वर्जन पे हो तो फिर आपकी मर्जी, आपको अपडेट करना है या नहीं करना है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके फोन के लिए जानलेवा है। तो ये दिखानी दोस्तों iOS 18 के बीटा 2 के रिव्यू की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।